दोस्तों, कुछ दिनों से आपने इस चीज़ को भी नोटिस किया होगा कि आपका चैनल जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, आपका चैनल डेड होता जा रहा है, आपके व्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। मेरी साइट के ऊपर आप क्रिएटर स्टूडियो का जो ग्राफ है वो आप देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग डेली बेसिस के ऊपर इसको ओपन करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसको 20 बार 25 बार 40 50 100 बार भी इसको ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप YT स्टूडियो को बार बार ओपन करते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपका चैनल जो है वो डेड हो जाता है। और दोस्तों, देखा जाए तो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो बार बार जाते हैं YT स्टूडियो में, जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो YT स्टूडियो को ओपन करते हैं, देखते हैं व्यूज़ कितने आ गए हैं, कितनी हमारी रीच हुई है, हमारा वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ, इस वीडियो ने कितना वॉच टाइम जो है वो गेन किया है, इसके अलावा हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं इस वीडियो के ऊपर कितने हमको मिले हैं। और दोस्तों, ये काम जो है नए या पुराने यूट्यूबर्स में से कोई एक नहीं करता, ये दोनों यूट्यूबर्स करते हैं, वो चाहे न्यू हो जाता है या ओल्ड यूट्यूबर्स हो जाते हैं, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद वो YT स्टूडियो है उसके ऊपर बैठ जाते हैं जाके और देखते रहते हैं कि हमारे व्यूज़ कितने आ रहे हैं। और जब बार बार हम YT स्टूडियो को ओपन करते हैं तो हमारा चैनल जो है वो डेड हो जाता है, हमारे व्यूज़ नहीं आते, हमारी रीच गिर जाती है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। और दोस्तों, आप में से बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं, मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अब वाकई में YT स्टूडियो को बार बार ओपन करने से हमारा चैनल डेड हो जाता है, हमारे व्यूज़ गिर जाते हैं, वॉच टाइम गिर जाता है, हमारी रीच जो है वो कम हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में तमाम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, यानी कि अगर हम YT स्टूडियो को बार बार ओपन करते हैं तो क्या हमारा चैनल डेड होगा, आज के टाइम में इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस क्यों बन रही हैं, क्या सच है क्या झूठ है, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं इन तमाम बातों को अच्छे से डिटेल के साथ, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हेलो गाइज, मैं हूँ अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात हमारे पास आती है व्यूज डाउन क्यों हो रहे हैं, दूसरी बात हमारे पास आती है YT स्टूडियो को बार बार ओपन करने से हमारा चैनल डेड होता है या नहीं होता, और तीसरी चीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस क्यों बना रहे हैं, या फिर ये देखते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस क्यों बन रही हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस क्यों बन रही है, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि चैनल्स जो हैं वो डाउन क्यों हो रहे हैं, और उसके बाद हम जानेंगे कि YT स्टूडियो को बार बार ओपन करने से हमारा चैनल डेड होता है या नहीं होता। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इतनी सारी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस क्यों बन रही हैं। दोस्तों, आज के टाइम की बात करें तो बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनती हैं। वो डिस्क्रिप्शंस की वीडियोस बन सकती हैं, SEO की वीडियोस बन सकती हैं, टाइटल्स की वीडियोस बन सकती हैं, या YouTube की न्यू अपडेट्स की रिलेटेड वीडियोस बन सकती हैं। इन तमाम टॉपिक्स को अगर हम कवर करें तो 100 वीडियोस से ज्यादा हम वीडियोस नहीं बना सकते, क्योंकि 100 वीडियोस में ये तमाम डिटेल्स जो है वो क्लियर हो जाती है। और दोस्तों, 100 वीडियोस में आपको पूरा YouTube जो है वो समझ में आ सकता है, ईच इन एवरी थिंग आप जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास बचता है मोनेटाइजेशन, YouTube के ऊपर न्यू फीचर आया है या कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो है YouTube की आई है। और दोस्तों, अगर YouTube की अपडेट्स की बात करें तो वीक में 1 या 2 अपडेट्स ही आती हैं YouTube की। रेगुलर YouTube की अपडेट जो है वीक में 3 बार 4 बार नहीं होती, 1-2 केस के अलावा YouTube की अपडेट जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर वीक में 1 या 2 ही आती है। और दोस्तों, आपको YouTube अंडरस्टैंड हो गया उसके बाद आप YouTube की जो पॉलिसीज हैं या फीचर्स हैं उसकी भी आप जानकारी रखते हैं वीक में 1-2 बार, तो आप इससे ज्यादा YouTube की पॉलिसीज के बारे में नहीं एक्सपेंड कर सकते। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें उन यूट्यूबर्स की जिनका जो चैनल है वो यूट्यूब अपडेट्स के रिलेटेड है, डेली बेसिस के ऊपर उनको वीडियोज चाहिए, तो YouTube की जो अपडेट है वो वीक में सिर्फ 2 बार आती है, तो बाकी 3 दिन 2 दिन 1 दिन में वो क्या करें। अब दोस्तों, यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक वीडियो 1 महीना पहले बनाया कि YouTube के ऊपर वीडियो कैसे अपलोड की जाती है, तो उस वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों, इसमें कुछ ये हो सकता है कि 2 महीने बाद मैं उसी चीज़ के रिलेटेड, उसी टॉपिक के रिलेटेड मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। दोबारा जब वीडियो मैंने बनानी है तो उसमें कुछ लेटेस्ट जो उसके फीचर्स हैं मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा, और इसके साथ जो मेरी न्यू ऑडियंस यूट्यूब चैनल के ऊपर आई है उनको भी देखने को मिल जाएगा कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कैसे करते हैं।
इसके अलावा जो मेरी पुरानी ऑडियंस है उसको भी कुछ न्यू चाहिए, इसलिए जो न्यू ऑडियंस होती है वो मंथली इस चीज़ को रिपीटेड देखती रहती है ताकि जो अपडेट्स हैं उसके साथ उनके एक्सपीरियंस जो है वो भी मेंटेन होता रहे। न्यू यूट्यूबर्स जो आए हैं उनको भी पता चलता जाए कि यूट्यूब पे वीडियोज़ कैसे अपलोड होती हैं। अब दोस्तों यहाँ भी अगर आपका चैनल है अपडेट्स का तो अपडेट्स की जो वैलिडिटी होती है वो 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते तक की होती है, उसके बाद आपकी अपडेट जो है वो डाउन हो जाती है। अब दोस्तों जिन लोगों के यूट्यूब अपडेट के रिलेटेड चैनल हैं उनकी जो पुरानी ऑडियंस है उन्होंने कुछ न्यू से न्यू भी देखना है, अगर वो न्यू उनको नहीं मिलेगा तो वो वीडियोस नहीं देखेंगे, इससे व्यूज भी नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनकी बहुत ज्यादा ऑडियंस है बट उनके जो व्यूज हैं वो 1-2 लाख ही आते हैं अगर उनके 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं। अब यहां पे दोस्तों जो टिप्स और ट्रिक्स के रिलेटेड कोई यूट्यूब का चैनल होगा उसने ये सोचा कि मेरे पास यूट्यूब की कोई अपडेट तो आ नहीं रही, कोई और चीज नहीं है, तो मैं एक ऐसा कॉन्टेंट जो है वो बना देता हूँ जो कि यूट्यूब के ऊपर रेगुलर चलता है। अब जाहिर सी बात है जो भी यूट्यूबर्स हैं नए या पुराने वो YT स्टूडियो को बार बार ओपन करते हैं, तो उस बंदे ने YT स्टूडियो के ऊपर ही एक वीडियो बना दी कि अगर आप इसको बार बार ओपन करेंगे तो आपका चैनल जो है वो डेड हो जाएगा। अब दोस्तों ये एक न्यू चीज थी जो कि बहुत सारे न्यू और ओल्ड यूट्यूबर्स ने देखी और सभी ये काम करते हैं क्योंकि वो न्यू यूट्यूबर हो या ओल्ड यूट्यूबर हो वो जाता है YT स्टूडियो में और जाके वो चेकआउट करता है डेली बेसिस के ऊपर, बहुत बार इसको करता है, तो जब लोगों ने ये वीडियो देखी तो ये ट्रेंडिंग में चली गई। और दोस्तों इस चीज की कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब ये न्यू और ओल्ड यूट्यूबर्स ने इस चीज को देखा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो दिन में 10 बार 50 बार 40 बार 150 बार भी इस YT स्टूडियो के एप्लीकेशन को चेकआउट करते हैं, और आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो डाउन जा रहे हैं, व्यूज भी नहीं आ रहे, रीच भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से इस चीज की जो श्योरिटी है वो 100% के ऊपर चली गई कि वाकई में अगर YT स्टूडियो को बार बार ओपन करें तो आपका चैनल जो है वो डेड हो जाता है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस के मैं आपको बताऊं कि चैनल आज के टाइम में डाउन क्यों जा रहे हैं, क्यों व्यूज जो है वो कम आ रहे हैं, क्योंकि जो यूट्यूब का सिस्टम है वो अपडेट होता रहता है, जो उसका एल्गोरिदम है वो अपडेट होता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही किसी ने वीडियो बनाई कि YT स्टूडियो को बार बार ओपन करने से आपका चैनल डेड हो जाता है, तो बाकी जो यूट्यूबर्स है या बाकी जो ऑडियंस है वो इस चीज को देखती है कि इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे व्यूज है और वाकई में हमारा चैनल डाउन भी जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल जो है वो सच है कि YT स्टूडियो को बार बार ओपन करने से हमारा चैनल डाउन हो जाता है, रीच जो है वो डाउन हो जाती है, व्यूज जो है वो डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है उसी चीज के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। अब दोस्तों मैं आपको सच बात बताने वाला हूं कि अगर YT स्टूडियो को आप दिन में 1 बार ओपन करते हैं, 50 बार करते हैं, 100 बार करते हैं या 1000 बार भी आप ओपन करते हैं तो आपके चैनल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो कि नेगेटिव इफेक्ट आप समझते हैं, आपकी ना ही रीच डाउन होगी, ना व्यूज डाउन होगी, ना ही आपका चैनल डेड आउट होगा, क्योंकि यूट्यूब ने खुद आपको ये फीचर दिया है कि आप YT स्टूडियो के ऊपर जाएं, एनालिटिक्स से आप चेकआउट करें, अपनी ऑडियंस को देखें कौन सी आपकी ऑडियंस किस टॉपिक को सर्च आउट कर रही है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, उसके हिसाब से आप अपनी वीडियोस में इंप्रूवमेंट लेके आएं, तो ये चीज़ यूट्यूब ने खुद आपको दी है तो आपका चैनल वो क्यों डेड करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, आपको फालतू के ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर डेली बेस के ऊपर अपलोड करनी है। 1000 बार आप ओपन करें या 5000 बार आप YT स्टूडियो को ओपन करें कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। इसके अलावा रियल जो यूट्यूबर्स हैं उनको आप फॉलो अप करें ताकि आपके पास रियल इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। आज की वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड वीडियोस डेली बेस के ऊपर देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।